Mostrar. सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वर्चुअल क्लास में मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। पिछले बार मैं अपना परिचय दे चुका था, किंतु इस बार भी मैं, हो सकता है कि कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे, इसलिए मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ एसपी सिसोदिया, व्याख्याता, शासकीय बालक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरागढ़, भोपाल। आपके सामने है, इस कोटेशन को आप पढ़िए और इस कोटेशन पर अमल करने का प्रयास करिए। कोटेशन केवल पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कोटेशन अमल करने के लिए होते हैं, और यदि हम निश्चित रूप से इन कोटेशन पर अमल करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने का भरपूर प्रयास करेंगे। और कोटेशन है ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चीज निष्ठावान होना पड़ेगा। तय बात है कि कोई भी कार्य हो, उसे यदि हमें करना है तो एक चीज तो होना ही पड़ेगा और साथ साथ हमें निष्ठावान भी होना पड़ेगा, तभी हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो अगेन मैं पढ़ रहा हूं उसको कि अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चीज निष्ठावान होना चाहिए। आर यू एग्री? हाथ खड़े करके बताइए, आप लोग सहमत हो इस कोटेशन से? मेरी आवाज जारी, हाथ खड़े करके आप संकेत बता सकते हैं कि हाँ सर, हम लोग सहमत है, हम निष्ठावान रहेंगे, एक चित्त रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति जो है। चलिए, ये झाबुआ के बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है, रतलाम के बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, इस बार ब्लूप्रिंट में परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ। पूरा ब्लूप्रिंट तो आप यहाँ से अभी नोट नहीं कर पाएंगे, किंतु आप अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से बोलिए कि हमें ब्लूप्रिंट नोट करा दें, और ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी जो है करें। निश्चित रूप से आपके सिक्स मंथली प्री बोर्ड जो एग्जाम होंगे उसमें तो आपको पेपर जो है पूरे ब्लूप्रिंट पर आधारित रहेगा। थोड़ा सा त्रैमासिक परीक्षा में कोर्स उतना नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पर ब्लूप्रिंट के आधार पर संभावित रूप से नहीं मिल सकता है, किंतु यहाँ पर मिलने की 6 मई में मिलने की पूरी संभावना है। तो आपको ये मालूम है कि कक्षा 10वीं में आपके कुल 12 चैप्टर हैं और ब्लूप्रिंट में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। जो 6 अंक के एक क्वेश्चन जो आता था लास्ट में, जो 2 क्वेश्चन आते थे, वो 2 क्वेश्चन को अब 3-3 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और वो चैप्टर है आपका व्रत। यहाँ से 6 नंबर का 1 प्रश्न था, अब आपको 3 नंबर के यहाँ से 2 प्रश्न मिलेंगे। और इसी प्रकार से सांख्यिकी और प्रायिकता में भी, जो आपके 6 अंक का 1 प्रश्न आता था करने के लिए, अब उसके बदले में आपको 3 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, इस ब्लूप्रिंट को आप अपने क्लास टीचर की मदद से नोट कर लें और इसको अपने पास रखें, और इस हिसाब से अपनी तैयारी को जो है आप करने का भरपूर प्रयास करें। तो चलिए, ब्लूप्रिंट मैंने आपको इसलिए याद दिला दिया कि ब्लूप्रिंट आप अपने टीचर से लेटेस्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आप शायद इसको नोट अभी नहीं कर पाएंगे। चलिए, पिछले कालखंड में मैंने आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सवालों पर चर्चा की थी। घसारे की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, किंतु मैं घसारे के प्रश्न पर नहीं पहुंच पाया था, तो ज्यादा उचित मैंने समझा कि एक प्रश्न मैं आपको घसारे का भी करा दूं, और इसमें मैंने जो समय लिया है वो समय मैंने यहाँ पर
पूर्णांक में ना लेते हुए मैंने उसको सही और बटे में लिया है, यानी दो वर्ष पूरे पूरे हमारे पास में और एक बटा दो हमारे पास में आधा वर्ष है। मेरा ये निवेदन रहेगा आपके सब साथ में कि जिनके पास भी माइक है वो माइक अपने पास सामने रख ले और इस प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करे, जिसके पास भी माइक हो, जिसको ये दिखाई दे रहा हो और प्रश्न को यदि पढ़ सकता है तो इस प्रश्न को आप पढ़ें, उसके आगे मैं धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करूँ। झाबुआ के बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, यदि माइक आपके पास सामने हो तो कृपया इस प्रश्न को पढ़ें आप कि प्रश्न क्या लिखा हुआ है। जो भी विद्यालय को मेरा प्रश्न ये दिखाई दे रहा है, माइक की व्यवस्था आपके पास में है, माइक यदि चालू है तो माइक को ऑन करिए, आप पढ़िए। भीमपुर बैतूल के बच्चे ये मेरे सामने है, ये दिखाई दे रहे हैं, माइक ले लीजिए। चलिए ये रतलाम के बच्चे के, हाँ हाँ बोलिए, पढ़िए प्रश्न को पढ़िए। रतलाम के बच्चे से मेरा निवेदन की इस प्रश्न को पढ़े, माइक को चालू कर लीजिए, माइक का जवाब नहीं होता ऑन कर लीजिए माइक को। सर आपके पीछे खड़े हैं, सर की मदद लीजिए आप, कोई दिक्कत हो तो। मैं माइक ऑन नहीं है बेटे आपका, माइक ऑन करिए। एमपीएस आलोट रतलाम, चलिए नेक्स्ट विद्यालय यदि कोई पढ़ना चाहे प्रश्न तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक दो विद्यालय की कंस्टिट्यूशन। हाँ सर, रतलाम एक्सेलेंस रतलाम। हाँ सर, दीजिए माइक दीजिए बच्चे को। आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही आवाज आ रही है। हाँ पढ़िए बेटा। दो से एक बटा टू वर्ष का 10% वार्षिक भंसारी की दर से घसारा एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, घबराने की बिल्कुल पढ़िए उसको। 1000 रुपए का 2 से 1/2 वर्ष का 10% वार्षिक घसारे की दर से घसारा है वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बैठिए, बैठ जाइए। चलिए इस प्रश्न को हमें बहुत इत्मीनान से पढ़ना है और हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 8000 रुपए था और 2.5 वर्ष के बाद की हम बात कर रहे हैं और घसारे की जो दर है वो है हमारे पास में 10%। तो हमें घसारे की राशि ज्ञात करना है कि राशि इसमें कितनी कम हो गई और वस्तु का मूल्य जो है अब कितना रह गया। तो निश्चित रूप से चूंकि हम यहाँ पर घसारे की बात कर रहे हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो उत्तर है वो 8000 रुपए से कम आना चाहिए। चलिए क्या क्या हमें यहाँ पर नोट करना पड़ेगा उसको आप देखिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न में हल लिखिए, हल के बाद में यहाँ पर हमने जो नोट किया है मूलधन हम मान सकते हैं, हालांकि मूलधन न मानते हुए इसको हमें लिखना चाहिए था वस्तु का मूल्य यहाँ पर, तो इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, इसे लिखेंगे वस्तु का मूल्य 8000 रुपए। नेक्स्ट दर है यहाँ पर घसारे की 10% और समय है हमारे पास में 2.5 वर्ष। ये जानकारी जो आपके पास दी हुई थी उसको आपने नोट कर लिया, अब आप बात करना है उसको हम नोट करेंगे। ये एमपीएस रतलाम के बच्चों के पास काफी दिखाई दे रही है मुझे, तो लिखिए बहुत जल्दी में लिखिए और जब लिखना होगा तो मुझे बताइए हाथ के संकेत के माध्यम से कि हाँ सर हमने नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर आप लोग नोट कर रहे हैं, नोट करिए जी। यहाँ मूलधन के स्थान पर आप करेक्शन करेंगे, वस्तु का मूल्य बराबरी से 8000 रुपए। दर को नोट करिए 10% और समय लिखिए 2 से 1/2 वर्ष। चलिए किताब का ही प्रश्न है, प्रश्न को आप लोग किताब में ढूंढ लेना और ये जो चीज यहाँ पर हमें दी है इसको हमने नोट कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको अब हम यहाँ पर नोट करेंगे।
हमें यहाँ पर ये याद करना है कि वस्तु का जो मूल्य है वो आपदा घसारे के बाद यानी या 2.5 वर्ष के बाद कितना रह जाएगा, ये हमें याद करना है। तो वस्तु का मूल्य में हमने लिख दिया यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, और घसारे की राशि को भी हमें याद करना है तो मैं यहाँ लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। और अब बारी आएगी हमारे सूत्र की, तो सूत्र हम क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, जिसके पास वो माइक मुझे जवाब दे यहाँ पर कि सर सूत्र हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। जिसके पास ही माइक की व्यवस्था हो मुझे बताया कि सर आगे हम सूत्र क्या लिखेंगे। चलिए शायद आज माइक किसी के पास भी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, क्या दिक्कत है आप लोगों को। माइक एक आकर सामने आप रखिए ताकि आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। ये आलोक रतलाम का मोबाइल को कहाँ है माइक का, माइक दीजिए, चालू नहीं है क्या माइक। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखिए। ये आ गया हमारा फार्मूला यहाँ पर, ए बराबर इसे पी कोष्टक में हम लिखेंगे 1 - R/100 to the power n। आप यहाँ पर यदि ए और पी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसको आप P1 और P0 भी लिख सकते हैं। और यदि आप ए बराबर इसे पी कोष्टक में 1 - R/100 to the power तब भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूले को लिखा हमने और हमारे पास अब जो राशि दी हुई थी उन राशियों को हम एक के बाद एक यहाँ पर भरेंगे। और तो देखिए हमारे फार्मूले में राशि को भरने के बाद क्या हमारा फार्मूला तैयार हो जाता है, क्या हमारी स्टेप आ जाती है आगे की। चलिए ए बराबर से हो गया, पी के स्थान पर हमें वस्तु का मूल्य भर दिया यहाँ पर 8000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट न कहते इसे घसारे की दर कहना चाहिए, घसारे की दर 10% थी और समय था हमारे पास में 2.5 वर्ष। अभी आप कह सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर समय के स्थान पर जो है वो 2 वर्ष क्यों लिखा आपने। इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं, नंबर एक सूत्र की मदद से कर सकते हैं। सूत्र की मदद से जब आप करेंगे तो एक बार आपको n का मान 2 लेके चलना पड़ेगा, और नेक्स्ट बार में आपको साधारण ब्याज वाला जो हम फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला लगा करके हमें समय का जो मान 1 वर्ष लेके चलना है, ये आपको याद रखना है। दूसरी मेथड आती ये हो सकती है कि आप 1 साल के लिए चले, फिर नेक्स्ट आप 1 साल के लिए चले, फिर आप आधे वर्ष के लिए चले, यानी 2.5 वर्ष को आप 3 भागों में ब्रेक करके कर सकते हैं, 1 वर्ष के लिए, फिर नेक्स्ट 1 वर्ष के लिए, फिर आधे वर्ष के लिए। और सूत्र की मदद से यदि आप कर रहे हैं तो आप उसको 2 भाग में करेंगे, एक बार में आप लेंगे एन का मान 2, और दूसरी बार में आपको साधारण फार्मूला लगाते हुए वहां पर आपको समय का मान लेकर के चलना है 6 माह, और 6 माह को हम लिखेंगे 1/2 वर्ष। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये स्टेप हमारी रिपीट हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप को आप देखिए, 1 - 10/100 को हमने हल किया, स्टेप अपन यहाँ पर परिवर्तित नहीं कहेंगे, हमने 0 से 0 को कैंसिल किया तो 1/10 आया, और चूंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए हम 10 में से 1 को घटाएंगे, 9/10 हो गया, पर घात हो गई 2 की, घात 2 की है इसलिए हम 9/10 में 9/10 का 2 बार गुना करेंगे, ए बराबर हो जाएगा 8000 गुना 9/10 गुना 9/10। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, एक क्लियर है तो आप हाथ के संकेत के माध्यम से बताइए कि हाँ सर क्लियर है, हम लोग कर रहे हैं इसके आगे जो है। चलिए ये काफी बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या आपको फार्मूले में परिवर्तन क्या करना था, जो फार्मूला हमारा था उसमें प्लस के स्थान पर आपको माइनस लिखना है, बाकी को ही कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। और नेक्स्ट स्टेप को आप देखिए, चलिए हम इसको सरल करने जा रहे हैं, तो क्या मतलब मिला हमारे पास में, ए बराबरी से 80 × 9 × 9, और जब हम गुना करेंगे तो गुना 6480 रुपए। ये 2 वर्ष वाली बात हो गई, अब हमें आने वाले आधे वर्ष के लिए अब चलना है, तो फिर हमने यहाँ पर 6 माह का घसारा निकालने के लिए सूत्र लिखा है यहाँ पर, वस्तु का मूल्य गुना समय गुना दर 100/100। 6 माह को हम वर्ष में बदलेंगे तो उसको लिखेंगे हम 6/12,
और 6/12 को हम लिखेंगे यहां पर 1/2। ये मैं आधे वर्ष की बात कर रहा हूं आपसे। चलिए 6 माह का घसारा, मैंने इसको सरल किया तो मेरे पास राशि आ गई 324 रुपए। तो वस्तु का जो मूल्य है वो अब यहां पर हो गया 6480 हो गया था 2 वर्ष के बाद, 8000 रुपए से घट करके 2 वर्ष के बाद 6480 रुपए हो गया था। पूरे 2.5 वर्ष के बाद वस्तु का मूल्य जो है वो घट कर लगा, ये आप देखिए 6156 रुपए। 8000 रुपए मूल्य वाली वस्तु 2.5 वर्ष के बाद आपको मिल जाएगी यहाँ पर 6156 रुपए में। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है घसारे की राशि, तो घसारे की राशि ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभिक मूल्य में से बाद वाले मूल्य को माइनस कर देंगे। घसारे की राशि ज्ञात करने के लिए 8000 में से हमने 6156 रुपए को घटाया, तो ये आ गया हमारे पास में 1844 रुपए। इस प्रकार से हमने अपने दोनों प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैंने फिर बता दिया आपको, आपके पास दो मेथड है, दो मेथड में से आपको जो मेथड अच्छी लगे उस मेथड से आपको सवाल को हल करिए। मैंने इसको दो पार्ट में किया है, पहले पार्ट में 2 वर्ष के लिए चला हूं और नेक्स्ट पार्ट में मैं आधे वर्ष के लिए चला हूं, और इस प्रकार से मैंने सवाल को हल करने का यहां पर, और संभवतः मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरे इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो घसारे का ये प्रश्न आता है तो आप प्लस वाले चिन्ह के स्थान पर माइनस चिन्ह लगा करके प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप हल करें। और मैं अब आगे बढ़ता हूं, आगे एक ऑब्जेक्टिव आपके पास में है, और बेटर तो ये होगा कि आपके पास माइक यदि हो आप जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इतने विद्यालय मेरे से जुड़े हुए हैं और पार्टिसिपेंट की संख्या मेरे पास में 121 दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो एक आध एक तो स्कूल जो माइक अपने सामने किया, वन में यदि मैं काम करूंगा मुझे आनंद नहीं आएगा, आप जवाब देंगे मुझे लगेगा कि नहीं मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो एमपीएस रतलाम ने भी मेरे से बात की थी, और माइक लीजिए आप, एमपीएस रतलाम माइक लीजिए आप, मैं नेक्स्ट प्रश्न यहां पर डाल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है और उसका जवाब आपको देना है। और बेटा ये हो कि माइक को कहीं रखने के बजाय माइक किसी स्टूडेंट के पास रहे रखा हुआ। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ आ रही आवाज आ रही है। यस सर, हाँ आवाज आ रही, चलिए आपकी आवाज आ रही। मैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख रहा डाल रहा हूँ, उस प्रश्न को आप जवाब देने का प्रयास करें इसका। यस सर, हेलो सर, क्या बात है, स्लाइड के बाद में क्या हो रहा है, परिवर्तन सर आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटे आवाज आ रही है, लाइव भी चेंज कर लिया खंड विधि से। हेलो, एक प्रॉब्लम है, अभी मैं प्रश्न डाल रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। हेलो, चलिए ये प्रश्न आपके सामने आ गया है और बहुत आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक काम करा तो हटा दे साइड, वहां से ये बड़ी साइड को पहुंचा दे। तो ये आगे बढ़ेगी ना, चलिए ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए मैंने आपको दिया है सीआई बराबरी से साइक्लिक इंटरेस्ट। आपको वहां पर यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम में चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ मिलेगा,
यहाँ पर मैंने उसको अंग्रेजी में लिख दिया सी आई साइक्लिक इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम पढ़ेंगे सी आई बराबर इसे पी कोष्टक में आएगा 1 + R/100 टू द पावर n, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पर सी आई बराबर इसे ए 1 + R/100 टू द पावर n, ये दो ऑप्शन दिए थे आपको। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आपके सामने है सी आई बराबर इसे पी ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n माइनस 1, और चौथा ऑप्शन है सी आई बराबर इसे पी 1 + R/100 टू द पावर n प्लस 1। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है, पहला दूसरा तीसरा, जिसके पास भी माइक है वो मुझे जवाब दे बात का। आइए चलिए बच्ची ने हाथ में माइक अपने हाथ में, जिसके पास भी जवाब दीजिए इसका। हेलो सर, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ कौन सा ऑप्शन सही है बताइए सर। डी, ये कहाँ से सही हो जाएगा सर। सी सी, परीक्षा में तो ऐसे ही करोगे गलती करोगे, प्लस साइन तो उसमें आएगा ही नहीं, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है चलिए, आपने प्रयास किया है पर ऑप्शन आपको ऐसा चेंज नहीं करते हुए बोलना है। ठीक, तो डी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इसका सी, और इसका जवाब मैंने यहाँ लिखा है सी आई बराबर इसे सी ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n-1। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए फिर तैयार रहे आप लोग, नंबर टू आपके पास है। यदि ब्याज की गणना 6 माह की जाती है तो दर को किया जाता है, पहला ऑप्शन है आपका आधा, दूसरा ऑप्शन है आपका दुगुना, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 गुना, और चौथा ऑप्शन है आपका 4 गुना। ब्याज की गणना 6 माह की जाती है तो दर को हम क्या करेंगे, हाँ बताइए जवाब, जिसके पास भी माइक बोलिए जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, आधा। यस, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, ए ए, और उसका आंसर क्या है, आधा। चलिए, ये दो ऑप्शन मैंने यहाँ पर डाले थे, दो ऑप्शन के आपने जवाब यहाँ पर दे दिए, और किस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये आपको मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों की तैयारी आप करें। चलिए, ये ऑप्शन आपके सामने सही वाला ऑप्शन मैंने इसका। चलिए अब मैं आ रहा हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, और माइक यदि आपके पास में मुझे आप जवाब देंगे तो इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे और आनंद आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है साइट पे, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है पढ़िए, इसके बाद ही माइक है। मानव की मूलभूत आवश्यकता, बताइए मानव की कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकता है। हेलो हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हाँ बताइए, मूलभूत आवश्यकता बताइए मानव की। हेलो, हाँ की तीन मानव की तीन मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले रोटी को प्राथमिकता देंगे आप, तो चलिए मैं रोटी आपको बता रहा हूँ, ये रोटी आपके सामने है, रोटी मिल गई आपको, रोटी मिल गई ना, क्या ब्रेड से काम चल जाएगा। हेलो हेलो, हाँ ब्रेड भी उसी का भाग है, चल जाएगा काम। उसके बाद क्या चाहिए आपको, कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा दिखा दिया हमने आपको, कपड़े के बाद क्या चाहिए आपको बताइए, क्या रह गया, मकान। यस, मकान चाहिए, मकान दे दिया सुंदर से आपको हमने। क्या ये तीन चीजों से आपका काम चल रहा है, क्या और कुछ चाहिए आपको बताइए, बताइए और क्या चाहिए आपको, रोटी कपड़ा मकान के अतिरिक्त। चलिए बहुत अच्छी बात है, मानव की तीन मूलभूत आवश्यकता है, नंबर एक पर है रोटी, नंबर दो पर है कपड़ा, और तीसरे नंबर पर है मकान। ये चीजें यदि मिल गई तो मानव अपना जीवन यापन कर सकता है। और हाँ बोलिए, इसके अलावा भी कुछ चीजें हमें चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें चाहिए देखिए। हाँ, गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए हमें चाहिए पंखा, और ऊपर से साथ में चाहिए बिजली, तो बिजली का पंखा चाहिए। दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। कपड़े हमारे पास में है, खड़े कपड़े यदि मान लीजिए तो उसके सिलाई करने के लिए हमें सिलाई मशीन चाहिए। खेत यदि मान लीजिए हमारे पास में है, या हम बागवानी करना चाहते हैं तो छोटा सा हमें ट्रैक्टर चाहिए,
जिसकी मदद से हम खेती के कार्य जो बड़े आसानी के साथ कर सके। यह है हमारे पास धातु का बर्तन जो कि हमारे किचन में पाया जाता है, इसकी हमें नितांत आवश्यकता होती है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। ये है हमारी वॉशिंग मशीन जिसकी मदद से आपकी मम्मी अपने कपड़े धुलेगी। ये है आपकी घड़ी जो आपको समय का ध्यान दिलाती है कि कितना बच चुका है। ये है आपका आरामदायक सोफा सेट, इस पर आप बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, मेहमानों को इस पर आप बैठा सकते हो। ये है आपका कूलर जो कि आपका गर्मी में साथ देगा और आपको भरपूर ये प्रयास करेगा। ये चीजें आपको घर में और भी चाहिए, तो क्या इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम सबकी जेब में पर्याप्त पैसे हैं क्या? हमारे वर्ग को हमने तीन वर्ग में बांटा है, समाज को उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में, निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग का व्यक्ति तो क्या करता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको जो चीज चाहिए उसने तत्काल जो है ऑनलाइन बुकिंग की या मोबाइल पर अपने घंटे जाई दुकानदार के यहाँ और वो चीज जो है उसके घर पर आकर के पहुंच जाती है। मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार की बात करें तो उसके पास इतनी पर्याप्त राशि नहीं होती है कि वो हर चीज को जो है नकद दे करके खरीद सकता है। ऐसे स्थिति में वो फिर क्या करेगा, तो वो निश्चित रूप से जो है कुछ न कुछ पैसे का जुगाड़ करता है, कुछ न कुछ पैसे की वो व्यवस्था करता है और उसके बाद फिर वो दुकान पर पहुंचता है और दुकानदार से अपनी वो बातचीत प्रारंभ करता है। तो किस्त योजना, इंस्टॉलमेंट योजना मार्केट में उपलब्ध है, बाजार में उपलब्ध है। यदि ये किस्त योजना बाजार में उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी स्थिति में दुकानदार अपना सामान लेकर के दुकान में बैठा रहेगा, वो देखते रहेगा किंतु उसकी बिक्री नहीं होगी। किंतु इस इंस्टॉलमेंट योजना ने, किस्त योजना ने निश्चित रूप से बिक्री बढ़ा दी है। हमारी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है, जो चीज हमें चाहिए वो चीज हमें अपने घर पे मिल रही है और हमें अपना काम जो है एक के बाद एक कर रहे हैं। पर ये बात मान के चलिए आप कि कोई भी चीज हम इकट्ठी नहीं खरीदेंगे, एक के बाद एक हम खरीदते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि आंशिक भुगतान हम करने के बाद जो शेष राशि बच जाती है, उस शेष राशि को आप 6 माह दे सकते हैं, 3 माह में दे सकते हैं और हर माह की किस्तों के रूप में आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उनसे किस प्रकार की चर्चा हुई है, किस प्रकार से आपने अपनी बातचीत को वहां पर अंजाम दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट, अब मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। इस नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, प्रश्न को मैंने हटा दिया यहाँ से, क्या खरीदना है आपको? माइक आपके पास में, बताइए क्या खरीदने जा रहे हो आप? बताइए बताइए क्या खरीदने जा रहे हो? सर क्वेश्चन एक और बार बोलिए सर। क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर स्लाइड पर कुछ चीज दिखाई दे रही है, वो क्या चीज है? घड़ी सर। घड़ी खरीदने जा रहे हो आप? घड़ी। आप घड़ी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आप जवाब देंगे एक के बाद एक क्योंकि टाइम खराब अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड को मेरे देखिए आप, नगद मूल्य कितना है बताइए आप देख करके। यहाँ पर नोट है आपके सामने, है नगद मूल्य आपके सामने रखा हुआ, कितना बताइए? गिनिए नोटों को, गिनिए कितनी नोटें हैं यहाँ पर। 5 की 1 नोट है, 100 की आपके पास में यहाँ पर 4 नोट है और 20 की आपके पास यहाँ पर 3 नोट है, तो नगद मूल्य कितना हुआ बताइए? 960 रुपए नगद मूल्य हो गया। तो यदि आपके पॉकेट में 960 रुपए है तब तो आप इस घड़ी को खरीद करके घर ले आएंगे और दुकानदार का और आपका कोई संबंध फिर नहीं रहेगा, आपको कोई लेन देन नहीं करना क्योंकि शेष राशि बिल्कुल भी नहीं बची है। किंतु ये ऑप्शन सबके पास नहीं होता है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हम उसको आंशिक भुगतान करें। बताइए कितने राशि का हमने आंशिक भुगतान किया है? बताइए कितनी राशि का आंशिक भुगतान किया? कितना? 480। हाँ, 4 नोट हमारे पास 100 रुपए की है और 20-20 की हमारे पास में 4 नोट है, हमने आंशिक भुगतान कर दिया, कितना? 80 रुपए। ठीक है, शेष राशि कितनी बची बताइए? अभी शेष राशि का मैंने कॉलम भी बनाया था, कितनी बची शेष राशि?
980 रुपए नगद मूल्य था, 480 रुपए का आपने भुगतान कर दिया, शेष राशि कितनी बची है? घटा के देख रहे हो, शेष राशि कितनी बची? 245 बेटा, शेष राशि 980 रुपए घड़ी की कीमत थी, 480 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया है, शेष राशि कितनी बची है? 580। अरे बेटे 480 रुपए, क्या तुम्हारी गणित है, क्या खाते हो तुम लोग यार, 480 रुपए शेष राशि कितनी है? 480 रुपए। अब इस 480 रुपए का हम किस्त में भुगतान कर रहे हैं, तो बताइए पहली किस्त में हम कितने रुपए दे रहे हैं उसको, नोट देख के बताइए। 245। यस, तो ये हमने पहली किस्त में उसको 245 रुपए दे दिया, नेक्स्ट किस्त में भी जाकर के उसको हम 245 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है वो दो किस्त में खत्म हो रहा है, दो किस्त में हमारा भुगतान कंप्लीट हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या खरीद। हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो सर, साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। बेटे मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पर, ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने टीचर बोले कि वहाँ की वो व्यवस्था को सुधारे। चलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, हम घड़ी और घड़ी का नगद मूल्य है 980 रुपए, आंशिक भुगतान हमने कर दिया है 480 रुपए का, शेष राशि बची है 480 रुपए जिसका भुगतान करने जा रहे हैं, और पहली किस्त में हम दे रहे हैं उसको ठीक एक माह के बाद जाकर के 245 रुपए, और फिर नेक्स्ट मंथ में जाके उसको हम दे रहे हैं 245 रुपए। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि अब यह है हमारा वो प्रश्न, पढ़िए जो पढ़ना चाहता है इस प्रश्न को, माइक जिसके पास भी है पढ़े इस प्रश्न को। घड़ी को खरीदने के दो ऑप्शन है, पढ़िए माइक लीजिए पढ़िए। एक घड़ी 960 नगद रुपए नगद या आंशिक भुगतान रुपए 230 दो मासिक किस्तों पर दी गई। आपकी आवाज बिल्कुल मेरे तक पहुंच रही थी, कोई दूसरा विद्यार्थी माइक ले, दूसरा विद्यालय माइक ले, बात करे मेरे से, प्रश्न को पढ़े। सर बोल रहे हैं कि एंटीना के पास आप आ जाइए तो आपकी आवाज मेरे तक सही पहुंच जाएगी, कहाँ पर एंटीना आपका लगा हुआ वहां आप आ जाइए तो आपकी आवाज मेरे तक सही से पहुंच जाएगी। और ये माइक से बोलने में मुझे लगता है कि आप लोगों को डर लगता है, आप लोग बिल्कुल बिना बेहिचक बिना संकोच किए बोलिए, माइक में कोई दिक्कत नहीं, माइक को थोड़ा सा दूर रखिए मुंह से अपने। हाँ बोलिए, पढ़िए प्रश्न को। एक घड़ी 960 रुपए नगद या 480 रुपए आंशिक भुगतान कर 245 रुपए की दो मासिक किस्तों पर दी गई है, इस योजना की ब्याज की दर याद कीजिए। और बढ़िया पढ़ा, किंतु थोड़ा और धीरे पढ़ने का प्रयास करिए, एक ही बार में पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में करना क्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या करने जा रहे हैं अपन, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 3, और इस प्रश्न क्रमांक 3 में आपकी वस्तु कौन सी है? घड़ी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, यहाँ पर परीक्षा में आपको घड़ी का चित्र वगैरह नहीं बनाना है, और प्रश्न क्रमांक आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर जो प्रश्न आपका जो रहेगा वो क्रमांक आप लिखेंगे। नंबर 3 पर हम लिख रहे हैं नगद मूल्य, और नगद मूल्य है हमारे पास में 960 रुपए। उसके बाद की स्लाइड को आप देखिए कि यहाँ पर आ रहा है आंशिक भुगतान, हमारे पॉकेट में जो राशि थी वो थी 480 रुपए की, 480 रुपए का हमने भुगतान कर दिया, तो शेष राशि हमारे पास बची है 960 माइनस 480, तो ये हो गया हमारे पास में 480 रुपए। किस्त में देय राशि, हम प्रत्येक किस्त में 245 रुपए दे रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हमने दो बार उसको दिए है 245 गुना 2 यानी 490 रुपए। यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लगे तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप नोट करेंगे नगद मूल्य,
नंबर दो पर आप नोट करेंगे आंशिक भुगतान 480 रुपए। नंबर तीन पर आप आएंगे शेष राशि, और शेष राशि को प्राप्त करने के लिए आप नगद मूल्य में से जो आपने भुगतान कर दिया है उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपकी शेष राशि आ जाएगी, शेष राशि है यहाँ पर 480 रुपए। हम एक किस्त में उसको 245 रुपए दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम दो किस्त में उसको कुल 490 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं। और प्रश्नों में हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी किस्त की संख्या जो है वो दो है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार मैं और इस प्रश्न को फिर रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, ये मैंने फिर से यहां लिख दिया कि किस्त में देय राशि जो है वो 245 गुना दो बराबरी से 490 रुपए। निश्चित रूप से हमें देना था 480 रुपए, किंतु हमने किस्त उसको भुगतान किया है 490 रुपए का, और 490 रुपए का जो भुगतान हमने किया है तो हमारे पास ब्याज की जो राशि है वो आएगी 10 रुपए। ठीक है, तो नंबर एक पर कहां पर जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? आवाज आ रही है? चलिए मैं अभी फिर से इस प्रश्न को रिपीट करूंगा, अभी आप आगे बढ़ने दीजिए, इसको देखते आगे बढ़ने दीजिए। इसको ब्याज की राशि आ गई 490 माइनस 480 यानी 10 रुपए। अब रहा सवाल कि यहाँ पर जो अधिकांश बच्चों को तकलीफ होगी इसको नोट करने में, लिखने में या समझने में, तो इसको आप समझिए बहुत अच्छे से। प्रथम मास के लिए मूलधन कौन होगा? जो शेष राशि है वो शेष राशि प्रथम मास के लिए मूलधन में, और शेष राशि थी हमारे पास 480 रुपए। आप इसको हंसी मजाक के रूप में ये याद रखें कि जब भी आप अपनी घड़ी को देखेंगे, ठीक है, तो उस घड़ी को देखते समय आपको याद आएगा कि मुझे दुकानदार को कुल 480 रुपए वापस करना है। तो ये 480 रुपए की हमें याद आते रहेगी, और यही 480 रुपए जो है आपका हो जाएगा प्रथम मास के लिए मूलधन। चूंकि हम प्रथम मास के अंत में जाकर के उसको 245 रुपए का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए अब हम देखेंगे कि द्वितीय मास के लिए मूलधन कितना होगा। तो द्वितीय मास के लिए मूलधन होगा 480 में से हमने 245 का पेमेंट कर दिया था, तो दूसरे माह में जब भी घड़ी को देख रहे हैं तो हमें याद आ रहा है कि हमें दुकानदार को 235 रुपए रिटर्न करना है, पर हम 235 रुपए रिटर्न नहीं कर रहे हैं, 235 रुपए के बदले उसको हम 235 रुपए का भुगतान कर रहे हैं जिसमें ब्याज भी शामिल है। ठीक है, तो प्रथम मास के लिए मूलधन कौन हुआ? जो शेष राशि थी आपकी वो राशि जाएगी प्रथम मास के लिए मूलधन, और द्वितीय मास के लिए मूलधन जो आपने प्रथम मास के अंत में जाकर के जो भुगतान कर दिया उसको आप कम कर दीजिए, तो जो राशि आपकी आएगी वो हो जाएगी द्वितीय मास के लिए मूलधन। और हमें कुल मूलधन यदि ज्ञात करना है तो प्रथम मास का मूलधन है 480 रुपए, द्वितीय मास का मूलधन है 235 रुपए, और कुल मूलधन हो गया हमारे पास में, कुल मासिक मूलधन हो गया 715 रुपए। तो मैं समझता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे, इसके आगे मैं फिर चर्चा कर रहा हूं आपसे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ब्याज की दर का सूत्र आप लिखेंगे, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। ब्याज की दर याद करने के लिए ब्याज हम निकाल चुके हैं, ब्याज का मान है 10 रुपए गुना 100, हमारा यहाँ पर हर प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा। और लिखेंगे मासिक मूलधन 715 रुपए, और समय हमारे पास में एक माह है, एक माह को जब हम वर्ष बनाएंगे तो उसको लिखेंगे हम 1/12, इसलिए 12 हमारा पहुंच जाएगा यहाँ पर अंश में। और जब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पर हमारा आंसर आएगा ब्याज की दर बराबरी से 16.78%। चलिए कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैं फिर से रिपीट कर दूं इस प्रश्न को, तो प्रश्न क्रमांक 3 आपकी किताब का है। जो हम वस्तु खरीदने आए हैं वो वस्तु है हमारी घड़ी, और यदि हमारी पॉकेट में 960 रुपए है तो 960 रुपए दे करके भी इस घड़ी को हम खरीद सकते हैं, नगद मूल्य का हम भुगतान के घड़ी को हम अपने घर ला सकते हैं, किंतु हमारी जेब में 960 रुपए नहीं है बल्कि हमारी जेब में जो है वो है 480 रुपए। तो हमने दुकानदार को 960 के बदले में
₹100 का भुगतान कर दिया और ₹480 जो है वो शेष राशि बच गया। ठीक है, किस्तों की संख्या यहाँ पर आ रही है दो, और दो किस्त में जो हम भुगतान कर रहे हैं वो भुगतान कर रहे हैं ₹245 एक किस्त में, दो किस्त में हम भुगतान करेंगे ₹490 का। ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए आपने किस्त में जो भुगतान किया है वो भुगतान किया है ₹490 का, ₹480 आपकी शेष राशि थी, मतलब आपने ₹480 के बदले में ₹490 का भुगतान किया है, यानी आपने ₹10 जो है वो ब्याज के रूप में दिए हैं। प्रथम मास के लिए मूलधन ज्ञात करने के लिए जो शेष राशि है उसी को हम यहाँ पर नोट देंगे, यहाँ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने इसके पहले कैलकुलेशन किया है शेष राशि का, तो उस शेष राशि को उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे। द्वितीय मास के लिए चूंकि हम एक किस्त का भुगतान प्रथम मास के अंत में कर चुके हैं ₹200, इसलिए हम ₹480 में से ₹245 को हम कम कर देंगे, तो अब हमारे पास में द्वितीय मास के लिए मूलधन आएगा ₹235। ₹235 इसकी आप पहचान में आपको बता देता हूँ कि ये 235 सही है या गलत, इसको आप चेक करने के लिए इसमें आप जोड़ेंगे ब्याज की राशि, ब्याज की राशि है ₹10, और ब्याज की राशि को जैसे ही आपने 235 में जोड़ा तो आपको किस्त की राशि मिल जाना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैलकुलेशन यहाँ तक सही चल रहा है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, इस गलती को आप ठीक कर लीजिए। तो पुनः मैंने आपको बता दिया कि अंतिम मास के मूलधन में यदि आप ब्याज की राशि को जोड़ते हो तो आपको किस्त की राशि मिल जाना चाहिए। कुल मूलधन ज्ञात करने के लिए हमने प्रथम मास के मूलधन में द्वितीय मास के मूलधन को जोड़ा और कुल राशि हो गई ₹715। ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको मालूम है, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, इसका मान भरा में यहाँ पर 10, 100 के स्थान पे 100 रहेगा, मूलधन के स्थान पे हम 715 भरेंगे और समय के स्थान पे हम भरेंगे 1/12, तो ब्याज की दर मिल गई यहाँ पर 16.78%। कितने लोग तैयार है कि सर अब इस टाइप के सवाल भी परीक्षा में करने के लिए आते हैं या घर पर हम प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कर लेंगे इन सवालों को, हाथ खड़े करिए जिनको जो समझ में आएगा, समझ आ गया जिनको, जिन लोग कर सकते हैं लोग बताइए कि हाँ सर हम कर लेंगे इन सवालों को। बहुत आसान से सवाल है, मार्केट में भले आप नहीं जाओ किंतु आप अपने दिमागी तौर पर बाजार में पहुंच जाइए कि हम घड़ी खरीद रहे हैं, इतनी राशि का हमने भुगतान किया है, इतनी राशि हमारी शेष रह गई है, इतनी राशि इसको हम किस्त में दे रहे हैं, ये दिमागी तौर पर आप कल्पना कीजिए तो सवाल आपका बन जाएगा। तो मैं आगे बढ़ू, सहमति है आप लोगों की, आर यू एग्री में बढ़ जाऊं आगे, हाथ खड़े करके बताइए मुझे बढ़ू आगे मैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखा रहा हूं, आपके मेरिट में आने वाले जो बच्चे हैं वो मेरिट में आने वाले बच्चे आपके प्रश्न को कैसे परीक्षा में हल करते हैं उसको आप देखिए। मैं कहता हूं यहां इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन अपनी आंसर बुक में आप दे सकते हैं। चलिए ये प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं, ये प्रश्न मैंने उठाया है 2015 की मेरिट वाली कॉपी से और ये है किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की कॉपी है, और देखिए किसने यहाँ पर कितना साफ सुथरा लिखने का प्रयास किया है, प्रेजेंटेशन इसका कितना बढ़िया है, केवल वेलुअर ने इसको टिक लगाने का काम किया है, बाकी कहीं कोई हालांकि ये गलती यहाँ पर से हुई है थोड़ी सी, टाटा पीडीएस ने की है, ओवरलैपिंग की है, आपको ओवरलैपिंग से बचने का भरपूर प्रयास करना है, कम से कम ओवरलैपिंग करें, यदि ओवरलैपिंग हो भी रही है तो उसको आप केवल एक लाइन से आप काट दीजिए। तो ये प्रश्न मैंने केवल आपको दिखाने के लिए आपको परीक्षा में हल करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, इस नेक्स्ट पार्ट में उसने यहाँ पर पूरा उसका कैलकुलेशन किया है और ये वो आंसर लेकर के आया है, ये है वो छात्र 2015 का जो मेरिट में था और ये उसकी कॉपी का मैंने यहाँ पर आपको ये पार्ट दिखा दिया, क्वेश्चन दिखा दिया आपको मैंने। अब मैं हिंदी मीडियम के बच्चे के दिखा रहा हूँ, उसको देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 20 का हल आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही लिखिए, हो सके तो यहाँ पर आप एक डिब्बा बना दीजिए, आयता का डिब्बा, और ताकि लगे हमारा प्रश्न हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। देखिए इसने बिल्कुल क्रम से किया है, हालांकि काटा पीडी इसने भी किए हैं, मैं काटा पीडी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, बिल्कुल कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो नगद भुगतान या नगद मूल्य नोट कर दिया उसने यहाँ पर ₹960, आंशिक भुगतान नोट कर दिया ₹480, शेष बची राशि उसने ₹480 लिख दी, दो किस्तों में दी गई राशि लिख दी उसने 245,
490 रुपए का पेमेंट कर दिया, ब्याज बचा 10 रुपए का, पहले माह जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो शेष राशि है वो शेष राशि यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे माह के मूलधन के लिए आप 245 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि आपने 245 रुपए का पेमेंट कर दिया है, अब आपको 235 रुपए का पेमेंट शेष करने का है। राशि यहाँ पर 245 से ये कम दिखेगी, इसमें जब हम ब्याज की राशि को जोड़ेंगे तो हमें किस्त की राशि मिल जाएगी, और एक माह के लिए मूलधन हो जाएगा 480 × 235 715 रुपए। और नेक्स्ट लाइन में आप देखिए मूलधन लिख रहा है 715, समय लिख रहा है एक माह या 1/12 वर्ष, ब्याज लिख रहा है 10 रुपए, दर इसको ज्ञात करना है, दर का इसमें सूत्र लिखा ब्याज गुना 100 / मूलधन गुना समय, पूरा कैलकुलेशन किया है और कैलकुलेशन करके यहाँ उसने लिख दिया है 16.78% लगभग, अतः ब्याज की दर जो है वो 16.78% होगी। तो मेरिट के दो बच्चों के लिए आप में कितने बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं, एक्सलेंस के बच्चे हो कितने बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं, यहाँ सर हम मेरिट में आना चाहते हैं। सपना तो देखिए, सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, प्रयास करिए भले हम मेरिट में आए या ना आए, किंतु यदि हम सपना देखेंगे लक्ष्य बनाएंगे कि हमें मेरिट में आना है तो हम मेरिट में आ सकते हैं, प्रयास यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से। चलिए काफी बच्चों ने सहमति अपनी दर्शाई है और देखते हैं कि कितने बच्चे जो है मेरिट में आते हैं, एक स्थान पर 5-5, 10-10 बच्चे भी मेरिट में हो सकते हैं, तो रिकॉर्ड बनाइए कि 10 की मेरिट में 100, 125, 130 बच्चे हो, ताकि ऐसा लगे कि नहीं हमारे बच्चों में जो है वो पढ़ने की होड़ लगी हुई है, और निश्चित रूप से आप पूरी अपनी एनर्जी का उपयोग करिए पढ़ने में, अपना भविष्य को अच्छा बनाने में। इस प्रश्न मैं आपको पुनः दिखाने जा रहा हूं, इस प्रश्न को पढ़िए, बहुत जल्दी पढ़िए, कौन पढ़ रहा है इस प्रश्न को, पढ़िए पढ़िए इसको, यदि माइक पास में तो पढ़िए इसको, माइक तो पास में है नहीं आपके। बिजली का एक पंखा 1000 नगद या 250 रुपए, बिजली का एक पंखा 1000 रुपए नगद नगद या 250 रुपए आंशिक भुगतान के बाद 260 रुपए की तीन किस्तों पर दिया गया योजना में ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या क्या नोट करोगे आप इस प्रश्न से, क्रम बता सकते हो आप, दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए, क्या नोट करेंगे आप सबसे पहले, मूलधन बराबर 1000 वस्तु का नगद मूल्य नोट करेंगे सबसे पहले, बोलिए बोलिए, ये नगद मूल्य वस्तु का नगद मूल्य कितना नोट, वस्तु का नगद मूल्य 1000 रुपए, यस, आंशिक भुगतान ₹250, यस, और शेष राशि 60 रुपए, शेष राशि बताइए क्या करोगे 1000 में से 250 को, 60 रुपए कितना 750 शेष राशि आएगी, ठीक है, और किस्त कितनी है कुल, 3 किस्त, क्या राशि में कितनी हो जाएगी, 260 × 3 मेरी आवाज वापस आ रही है, वापस आ रही है, चलिए किस्त में भुगतान हो जाएगा 3 × 7 = 100, चलिए प्रश्न को आप देख लीजिए, काफी कुछ जवाब आप लोगों ने दे दिया है, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 2, और प्रश्न क्रमांक 2 में हम बिजली का पंखा खरीदने जा रहे हैं, देख लिया आपने यहाँ पर नगद मूल्य है इसका 1000 रुपए, पंखे का नगद मूल्य बराबरी से 1000 रुपए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या कहने जा रहे हैं,
और से भुगतान कर दिया हमने 250 रुपए का, शेष राशि बची हमारी 1000 में से हमने 250 को कम कर दिया, शेष राशि बची हमारे पास 750 रुपए। किस्त की संख्या है इस प्रश्न में 3। किस्त में देय राशि 260 रुपए हम एक में दे रहे हैं, ऐसी 3 किस्त दे रहे हैं तो टोटल हम दे देंगे यहाँ पर 780 रुपए। हमें देना था 750 रुपए, उसके बदले में हम दे रहे हैं 780 रुपए, यानी हम 30 रुपए का अधिक भुगतान कर रहे हैं। तो ये 30 रुपए है आपकी ब्याज की राशि। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा विश्राम दे दिया है। क्या क्या स्लाइड में देख लिया हमने, किस्त में देय राशि 260 गुना 3 बराबर इसे 780 रुपए, ब्याज की राशि माइनस 750 बराबर इसे 30 रुपए, और प्रथम मास के लिए मूलधन हो गया कौन सा 750 रुपए। कहाँ से आया ये शेष राशि के माध्यम से आया, ये शेष राशि जो थी उसी को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। द्वितीय मास के लिए मूलधन, चूंकि हम प्रथम मास के अंत में 260 रुपए का भुगतान कर चुके हैं तो अब हमारा भुगतान शेष बचा हुआ है 750 माइनस 260 यानी 490 रुपए, और तृतीय मास के लिए मूलधन है 490 माइनस 260, फिर बचा हमारे पास में 230 रुपए। क्या हम 230 रुपए में ब्याज की राशि को जोड़ दें तो हमें किस्त की राशि मिल रही है 230 रुपए में, जब 30 को हम जोड़ेंगे तो हमें 260 रुपए मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने घटाने का जो काम किया है, मूलधन जो हमने ज्ञात किया है प्रत्येक मास के लिए, वो प्रत्येक मास के लिए मूलधन हमने सही ज्ञात किया है, हमारे पास हो जाएगा। प्रथम मास के लिए 750 था, द्वितीय मास के लिए हमने निकाला है 490 रुपए, और तृतीय मास के लिए निकाला है हमने 230 रुपए। कुल मूलधन हो गया हमारे पास 1470 रुपए। ब्याज की दर का फार्मूला लिखा, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, ब्याज हमारा यहाँ था 30 रुपए गुना 100, समय का मान था एक माह के हमने बनाए वर्ष, एक बटे 12। ब्याज की दर आ गई 24.48%। आप लोग अधिकांश बच्चों की समस्या क्या रहती है, यहाँ पर आकर के आप लोग अटक जाते हो, कैलकुलेशन आप लोग नहीं कर पाते हो। इसको आप प्रयास करिए कि हम लोग भाग दे सकें। अंश आपका बड़ा मिलना चाहिए निश्चित रूप से, हर आपका छोटा मिलना चाहिए, और भाग देने की प्रैक्टिस करिए क्योंकि हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। यदि आप इसको तो निश्चित रूप से आपका एक अंक जो है वो कम हो जाएगा। एक अंक आपको 5 अंक में से कम नहीं करना है, बल्कि आपको पूरे 5 में से 5 अंक आपको लेना है। ये बाकी सवाल जो है मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किए, ये आपके लिए छोड़ दिए मैंने। स्कूटर वाला सवाल, घड़ी वाला सवाल हम कर चुके हैं। ट्रैक्टर वाला सवाल में बड़ी राशि दी हुई है किंतु कोई राशि बड़ी नहीं, आप करने का प्रयास करिए, बहुत आसानी के साथ ये सवाल आपका बन जाएगा। अब ये आपकी किताब का सवाल मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया है कि आप लोग किताब के सवालों को बिल्कुल भी नहीं देखते। किताब में जो सवाल उसने किया है देखिए कितने सिस्टमेटिक तरीके से किया है। मैंने आपको इसलिए बताया यहाँ पर इस प्रश्न को कि हम अपनी कॉपी में भी कुछ इसी प्रकार से लिखने का भरपूर प्रयास करें। सबसे पहले हम नगद मूल्य नोट करेंगे, आंशिक भुगतान की राशि नोट करेंगे, उसके बाद शेष राशि नोट करेंगे, फिर किस्त में दे गई कुल राशि नोट करेंगे, या किस्त में हम दे रहे हैं 3 किस्त में दे रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर दे दिए कुल उसको 5151 रुपए, और किस्त योजना में भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। किस्त की राशि में से हम 5000 रुपए को कम कर देंगे, ये हो जाएगा 151 रुपए। ये तैयारी आप कर लीजिए कि हमें किसके बाद क्या क्या नोट करना है। हालांकि सब कुछ यही दिया हुआ है, सबसे पहले आप नोट करिए नगद मूल्य, उसके बाद आप नोट करिए आंशिक भुगतान, उसके बाद नोट करिए आप शेष राशि के बाद आप नोट करिए यहाँ पर एक किस्त में दी गई राशि, कुल किस्तों की संख्या, और 3 किस्तों में दी गई राशि। आपका मतलब
स्टेप आप अपनी मर्जी से चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने कहा लिए ब्याज की राशि, पहले माह तो मूलधन शेष राशि आ जाएगी, दूसरे माह तो मूलधन आपने 1717 रुपए का भुगतान कर दिया है, 3283 रुपए का भुगतान शेष रह गया है, फिर हमने तीसरे माह के लिए हम फिर 1717 रुपए को कम कर देंगे तो 1566 रुपए बचेंगे। सभी मूलधन को हम आपस में जोड़ देंगे, प्रथम मास के मूलधन को, द्वितीय मास के मूलधन को और तृतीय मास के मूलधन को, और देय किस्त को यदि हम ज्ञात करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास अंत में जो बच रहा है उसमें हम ब्याज की राशि को जोड़ेंगे, तो हमें यहाँ पर 1717 रुपए मिलना चाहिए, तो इससे हमारा कैलकुलेशन भी यहाँ पर चेक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वही हमने सूत्र लिखा है और सूत्र में मान भरे हैं, प्रश्न को पूरा में हल किया है, जवाब ये देखिए लास्ट में कितने अच्छे से जवाब दिया गया है। इस प्रकार किस्तों में 18.39% वार्षिक दर से ब्याज लगा है। हमें आंसर नहीं लिखना है यहाँ पर, आप लोग ANS करके लिख देते हो, ये आदत आप हटाइए और यहाँ लिखिए कि जो पूछा गया है उसका आप जवाब यहाँ पर देने का प्रयास करें। ठीक, ये मैंने आपको किताब का एक प्रश्न दिखा दिया, समय समाप्त तो थोड़ा सा 5 मिनट बचा हुआ है मेरे बाद, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं जो कुछ मेरे पास में है। इस चित्र को आप लोग देख रहे होंगे और इस चित्र में आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आप देखिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर समलंब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को बताने का प्रयास किया है। भाई जिसके पास में वो मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये अपन दोनों काम कर रहे हैं, ये चीज स्लाइड में भी आपके पास, और स्लाइड के अलावा मेरे पास यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज भी है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में कि मैंने 8 समकोण त्रिभुज को आपस में जोड़ा हूं। कितने समकोण त्रिभुज? 8 समकोण त्रिभुज को मैंने आपस में जोड़ दिया है, और जोड़ने पर मुझे जो आकृति दिखाई दे रही है वो आकृति कौन सी दिखाई दे रही है? बाइक से आप जवाब देंगे तो काफी अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा नहीं यार मैं कुछ कर रहा हूँ। बाइक लीजिए हाथ में और मुझे जवाब दीजिए कि यह आकृति आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है? वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? समकोण त्रिभुज से बनी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे? भाई किसी के पास में तो जवाब दीजिए मुझे, लेकिन मेरा ही प्रश्न और मेरा ही उत्तर हो जाएगा। MPS रतलाम के पास माइक था, भाई एक दूसरे को ट्रांसफर करने के बजाय जवाब दीजिए। चतुर्भुज 8 समकोण त्रिभुज से बनी आकृति, ये क्या है? ये लंबाई है, ये मेरे पास चौड़ाई है, कौन सी आकृति है? समचतुर्भुज। वेरी गुड बेटा, समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है तुमको, गलत जवाब है आपका। और कोई नेक्स्ट तो किसी दूसरे बच्चे को दीजिए आप माइक, कौन सी आकृति है? चलिए टाइम खराब हो रहा है इसलिए मैं टाइम नहीं कर रहा हूँ, और मुझे जो जवाब मिलना चाहिए तो वो जवाब नहीं मिला है। ये है मेरे पास में आयत, और ये है मेरे आयत की लंबाई, ठीक है, और ये है आयत की चौड़ाई। एक आयत को मैंने 8 समकोण त्रिभुज से बनाया है। यदि आप लोग भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो घर पर आप A4 साइज का कागज लीजिए, या कागज आप आयताकार लीजिए, किसी भी साइज का आप ले सकते हैं,
और उसको आप मोड़िए, मोड़ करके आप मिड पॉइंट फाइंड करिए, आप मध्य बिंदु ढूंढ लीजिए। आप, मैं ये कर रहा हूँ, आप लोग मेरी सचूटी बात देख रहे होंगे तो आपको और भी बातें समझ जाएगी। तो आपने यहाँ पर ये एक बार मोड़ दिया, आपने इसको खड़ेंगे, फिर आप इसको आड़े में मोड़ दीजिए एक बार, ये मोड़ दिया तो हमने इस प्रकार से। आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को जोड़ना है, तो इसी स्थिति में आप मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को आप जोड़ सकते हैं। यह एक बार में काम हो जाएगा और गलती होने की संभावना भी कम रहेगी। चलिए अब आपको यहाँ पर ये सिकंड इसमें दिखाई दे रही होगी और इस सिकंड को आप देखिए, मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक बार। संपूर्ण त्रिभुज की संख्या कितनी है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये एक दो तीन चार पांच छह और आठ संपूर्ण त्रिभुज हमारे पास में। यदि हम बाहर के संपूर्ण त्रिभुजों को अंदर की ओर दबा दें, बाहर के संपूर्ण त्रिभुजों को हम अंदर की ओर दबा दें, तो अंदर की ओर दबाने पर हम क्या देख रहे हैं? अब आपके जो कह रहा था, किसी ने बोला था कि सर हमें आयत सॉरी समचतुर्भुज दिखाई दे रहा है, तो ये जो आकृति है ये आपकी आकृति यहाँ पर समचतुर्भुज की आकृति है। ये इस आकृति को हम कहेंगे समचतुर्भुज की आकृति। ये इसका कहलाएगा बड़ा डायगोनल और ये वाला कहलाएगा सर छोटा डायगोनल। इसको हम कहेंगे डी वन और इसको हम कहेंगे डी टू कहेंगे इसको। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हो घर पर भी करना चाहे तो। और देखिए अब मैं यहाँ जो कर रहा था उस काम को देखिए कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर आयत बनाया था, अब मैं आयत के स्थान पर चार चार समकोण त्रिभुज का समूह ले रहा हूँ और चार चार समकोण त्रिभुज के समूह की मदद से मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रहा हूँ उसको आप देखिए। ये बना दिया मैंने यहाँ पर एक आकृति और ये बना दी यहाँ पर मैंने, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, हो सकता है कि आपको कलर की वजह से इसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। एक आपके पास में यहाँ पर एक आयत था, एक आयत से मैंने यहाँ पर ये दो आकृति तैयार की है और इन दोनों आकृति में ये है मेरे पास में बड़ा वाला डायगोनल, ये है मेरे पास में छोटा वाला डायगोनल, ये है डी वन और ये है डी टू, ये है इसमें डी वन और ये है मेरे पास में डी टू। तो मैं एक आयत की मदद से, अब आप स्लाइड की ओर देख सकते हैं, ये आकृति आपके पास थी, एक आयताकार आकृति बनाई थी आपने आठ संपूर्ण त्रिभुज की मदद से, फिर आपने चार चार समकोण त्रिभुज लिए, ब्लैक वाले समकोण त्रिभुज को आप देखिए, इनको भी आप देखिए यहाँ पर, तो एक समचतुर्भुज यहाँ बन गया, दूसरा समचतुर्भुज यहाँ पर बन गया। आयताकार का सूत्र हमें मालूम है कि लंबाई गुना चौड़ाई, पर इस आयत से हमने यहाँ पर दो समचतुर्भुज बना लिए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल धन दूसरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूंकि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा दो गुना सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबरी से लंबाई गुना चौड़ाई। दो मिनट, यस, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबरी से दो को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक बटा दो। अब यहाँ पर लंबाई नहीं लिखेंगे, ये जो लंबाई है ये हो गई यहाँ पर डायगोनल में परिवर्तित और ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई यहाँ पर ये दूसरे डायगोनल परिवर्तित हो गई। तो लंबाई के स्थान पर यहाँ लिखेंगे हम डी वन और चौड़ाई के स्थान पर हम यहाँ पर लिखेंगे डी टू। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया एक बटा दो डी वन टू डी। तो ये सूत्र को मैंने यहाँ पर डिराइव करने का प्रयास किया है, आप यहाँ पर इस सूत्र को डायरेक्ट यदि याद रखें तो डायरेक्ट आप याद रखिए, किंतु सूत्र को डिराइव करते भी आप लोगों को आना चाहिए कि सूत्र हमारे कहाँ से आए हैं। और किसी पर बेस्ड एक ट्यूशन जो है उसको आप देख लीजिए, टाइम समाप्त होने आ रहा है। ये आप किताब का प्रश्न मैंने उठाया है, समचतुर्भुज है, विकर्णों की लंबाई दी है 37 मीटर और 27 मीटर, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मैंने यहाँ पर चित्र पा लिया, किताब में चित्र नहीं बना हुआ था। सूत्र लिखेंगे आप सबसे पहले
D1 का मान नोट करेंगे 37, D2 का मान नोट करेंगे आप 27, और D1 और D2 के स्थान पर आप भरेंगे 37 गुना 27, और इस पूरे प्रश्न को यहाँ पर कक्षा 9th में जो आपने लघु गणक पढ़ा है उसकी मदद से हल किया है, तो इसको हल करने का प्रयास करिए। कहीं कोई यदि दिक्कत हो तो अपने क्लास टीचर से पूछिए कि हम लघु गणक का मान और एंटी लाग का मान जो किस प्रकार से देखेंगे, ताकि हम लाग और से इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी के साथ हम हल कर सके। ठीक है, अब मैं अपनी कक्षा को यही समाप्त कर रहा हूँ। मैं आपको 2 मिनट का समय अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप यदि कुछ चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी बात आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किसी के पास माइक हो यदि आप मुझसे शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर करें, मुझसे बताएं कि आपने आज जो पढ़ा वो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और नहीं तो संकेत के माध्यम से बताइए कि कैसा लगा क्लास में आज, समझ में आया कि नहीं आया। यदि आया हो तो हाथ खड़े करके बताइए कि हाँ सर समझ में आया हमें। एमपीएस रतलाम के बच्चे कुछ शायद नोट कर रहे हैं अभी, बताइए मेरे को क्या क्या पढ़ा हमने आज। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो रहा है और क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों को।